मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, हम कक्षा 10 के अध्याय जल संसाधन का अध्ययन कर रहे हैं। जल संसाधन के अंतर्गत हमने पढ़ा जल के स्थिति के बारे में, जल के विस्तार के बारे में और वर्तमान में कितने प्रतिशत जल है उसका हम उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद में हमने अध्ययन किया परियोजनाओं का। परियोजनाओं को दो भागों में बांटा गया था, केंद्र सरकार की परियोजनाएँ और राज्य सरकार की परियोजनाएं। हमने जो अध्ययन प्रारंभ किया है वो केंद्र सरकार की योजनाओं का अध्ययन किया है। कल हमने जो अध्ययन किया था वो भाखड़ा नांगल परियोजना का अध्ययन किया था। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार की अन्य जो परियोजनाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। आज जो अध्ययन का अपना बिंदु है वो है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दामोदर घाटी परियोजना है वो ध्यान रखना केंद्र सरकार की परियोजना है। कल जो हमने भाखड़ा नांगल परियोजना का अध्ययन किया था वो भी केंद्र सरकार की परियोजना है और दामोदर घाटी परियोजना है वो भी केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत आती है, प्रमुख निर्माण के अंतर्गत आती है। बात आती है कि दामोदर घाटी परियोजना है वो कब की योजना है, स्वतंत्रता से पहले क्या इसको प्रारंभ किया गया था या स्वतंत्रता के बाद में इसको प्रारंभ किया गया था। तो ध्यान रखना, अगर ये पूछा जाए कि दामोदर घाटी परियोजना है वो कब की परियोजना है, तो ध्यान रखना स्वतंत्र भारत की जो प्रथम परियोजना है वो दामोदर घाटी परियोजना है। स्वतंत्रता के बाद में केंद्र सरकार के द्वारा दामोदर घाटी परियोजना का कार्य प्रारंभ करवाया गया। बात आती है कि ये दामोदर घाटी परियोजना है इसकी प्रेरणा हमें कहाँ से मिली जिसके कारण इस परियोजना का निर्माण भारत में किया गया। तो इसकी प्रेरणा का जो स्रोत है वो एक देश है और उस देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रेरणा के आधार पे ही भारत में दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है और इसके पीछे बहुत सारे उद्देश्य, बहुत सारे लक्ष्य छुपे हुए हैं जिनका हम आगे अध्ययन करके चर्चा करेंगे। अब बात आती है कि ये जो दामोदर घाटी परियोजना है ये किस पद्धति के आधार पे भारत में इसका निर्माण किया गया था। तो ध्यान रखना, टेनेसी घाटी निगम के अनुसार भारत में दामोदर घाटी परियोजना का प्रारंभ किया गया है। अब टेनेसी घाटी क्या थी, क्या इसके उद्देश्य थे, इसको समझना, इसको जानना बहुत आवश्यक है। टेनेसी घाटी परियोजना है ये बाढ़ से नियंत्रण करने के लिए, मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए, वन क्षेत्र को बचाने के लिए इस परियोजना का के तहत टेनेसी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था। तो भारत में भी क्या है, कुछ नदियां ऐसी है जिनका बहाव क्षेत्र इतना अधिक है कि जिसके कारण जिस क्षेत्र में ये पानी का बहाव चला जाता है वहां हर तरफ से त्रासदी मच जाती है, बहुत सारे व्यक्ति मारे जाते हैं, लोगों की फसलें वगैरह चौपट हो जाती है, लोगों के जन माल का नुकसान हो जाता है। तो हर प्रकार से जो जनता है उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस कारण क्या है कि टेनेसी घाटी निगम के अनुसार भारत में दामोदर घाटी परियोजना का प्रारंभ किया गया। प्रेरणा का स्रोत कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और पूछा जाए ये कब की परियोजना है, तो ध्यान रखना स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना है। और किसकी परियोजना है ये, केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, तो ध्यान रखना कि केंद्र सरकार की प्रमुख परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। अब बात करते हैं कि दामोदर घाटी परियोजना है इसका निर्माण है वो किस नदी पर किया गया है, कौन सी नदी पर है इसको स्थापित किया गया है, कहां पर इस घाटी परियोजना का प्रारंभ किया गया है। तो ध्यान रखना जो दामोदर नदी है उस पर दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। अब हम इसका आगे अध्ययन करने से पहले दामोदर घाटी जो परियोजना है अपनी वो दामोदर नदी पे है, दामोदर नदी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि दामोदर नदी है वो कहाँ से निकलती है, इसका विस्तार है वो कौन से राज्यों में होता है और बाद में ये बहाव क्षेत्र जो दामोदर नदी का है ये कहाँ जाके समाप्त होता है। तो इसके लिए हम छोटे से स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे और दामोदर नदी के विस्तार को जानने का प्रयास करेंगे। दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर से निकलती है,
सबसे पहले बात आती है कि इसका उद्गम स्थल कौन सा है, तो ध्यान रखना दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है, जो इसका बहाव क्षेत्र है जहां से ही निकलती है, तो छोटा नागपुर से ही निकलती है। कौन सी? दामोदर नदी। छोटा नागपुर से निकलने के बाद इसका बहाव जो पूर्व की ओर आता हुआ बिहार की ओर ये पानी पहुंचता है, और बिहार में ये पानी पहुंचने के बाद में आगे जो इसका स्थान है, आगे जो इसका बहाव क्षेत्र है वो है झारखंड। पानी बिहार से कहां पहुंचता है? झारखंड में। झारखंड से ये पानी आगे बढ़ता हुआ पहुंचता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में पानी पहुंचने के बाद एक अन्य नदी में मिल जाता है, उस नदी का नाम है हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी में जाके मिल जाता है, और हुगली नदी के बाद में ये पानी बहता हुआ बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। बंगाल की खाड़ी में मिलने के बाद में जो दामोदर नदी है उसका अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी काफी बड़ी है और इसमें ये पानी विलीन हो जाता है। तो एक बार वापस इस स्थित को समझने का प्रयास करेंगे कि जो दामोदर नदी है उसका उद्गम कौन सा है, इसके बहाव क्षेत्र कौन कौन से हैं, और इसका अंत है या कहाँ पे जाके ये समाप्त होती है। तो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर से निकलती है, छोटा नागपुर के बाद में ये बहती हुई आगे बिहार में पहुंचती है, बिहार से झारखंड में आती है, झारखंड से पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल से हुगली नदी में मिल जाती है। ये ध्यान रखना दामोदर नदी है वो कौन सी नदी में मिलती है? हुगली नदी में मिलती है। हुगली नदी के बाद में ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है जहां पे ये समाप्त हो जाती है। अब आगे हम दामोदर घाटी के बारे में चर्चा करेंगे। दामोदर घाटी है, इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं दामोदर घाटी परियोजना की, लेकिन क्या है कि जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जिसकी चर्चा या जिसके नाम ज्यादा चर्चा में रहते हैं, वो प्रमुख रूप से तीन प्रमुख सहायक नदियां हैं। ध्यान रखना दामोदर नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, कितनी नदियां हैं? तीन प्रमुख सहायक नदियां हैं। पहली जो सहायक नदी है उसका नाम है बाराकार। कौन सी है? बाराकार पहली सहायक नदी है इसकी प्रमुख रूप से। दूसरी जो इसकी सहायक नदी है उसका नाम है बोकारो। कौन सी? बोकारो। और तीसरी जो है इसकी सहायक नदी है वो है कोनार। इस प्रकार इसकी तीन प्रमुख सहायक नदियां हैं, अन्य भी बहुत सारी नदियां हैं, प्रमुख रूप से जो चर्चा के विषय में रहती है वो तीन रहती है, बाराकार, बोकारो और कोनार। किसकी सहायक नदियां हैं? दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं कि जो दामोदर घाटी परियोजना है क्या यह किसी एक राज्य की परियोजना है या एक से अधिक राज्यों की परियोजना है? तो ध्यान रखना कि जो दामोदर घाटी परियोजना है ये एक संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना का मतलब हो गया इसमें एक से अधिक राज्यों का आपस में सहयोग रहा है, एक से अधिक राज्यों को इससे लाभ मिल रहा है, वहां के जिलों को लाभ मिल रहा है, वहां की आवश्यकताएं पूरी की जा रही है, वहां की समस्याओं को दूर किया जा रहा है। तो ध्यान रखना वह परियोजना जो एक से अधिक राज्य की परियोजना होती है उसको संयुक्त परियोजना कहा जाता है। तो दामोदर घाटी परियोजना है ये एक संयुक्त परियोजना है, दो राज्यों की प्रमुखता है, ये संयुक्त परियोजना है, पश्चिम बंगाल और झारखंड की ये परियोजना के रूप में जानी जाती है। कौन सी परियोजना? दामोदर घाटी परियोजना है, ये दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, पश्चिम बंगाल और झारखंड की। अब बात आती है कि दामोदर घाटी का विस्तार कितना है, इसका एरिया कितना है, कहां तक ये दूर तक फैली हुई है, कितने कितने किलोमीटर तक इसका क्षेत्र है, वो विस्तार रूप लिए हुए है। तो ध्यान रखना कि जो इसका विस्तार है वो बिहार और झारखंड में, बिहार और झारखंड में जो इसका विस्तार है 290 किलोमीटर है। ये ध्यान रखने आवश्यक प्रमुख तथ्य है इसके कि इसका जो विस्तार है वो बिहार और झारखंड में कितना है, 290 किलोमीटर इसका क्षेत्र फैला हुआ है। अब बात आती है कि पश्चिम बंगाल में इसका जो बहाव क्षेत्र है कितने किलोमीटर तक है, तो ध्यान रखना सिर्फ पश्चिम बंगाल में जो इसका बहाव क्षेत्र है 240 किलोमीटर है, जहां बिहार और झारखंड में 290 किलोमीटर था, वहां सिर्फ पश्चिम बंगाल में जो इसका बहाव क्षेत्र है 240 किलोमीटर है। इस प्रकार इसका जो बहाव है वो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में इसका बहाव क्षेत्र, इसका विस्तार है। अब बात करते हैं कि जो दामोदर घाटी परियोजना है इसका प्रारंभ कब किया गया, कब इसकी योजना को लाया गया, कब इसका निर्माण कार्य करवाया जाने लगा, किस आधार पे इसकी प्रगति स्टार्ट हुई। तो ध्यान रखना दामोदर घाटी परियोजना का जो प्रारंभ हुआ था वो 7 जुलाई 1948 में हुआ था।
इसके कार्य है वो प्रारंभ हो गए थे, इसका निर्माण कार्य चालू कर दिया गया था। चर्चा में तो ये काफी पहले समय से थी निर्माण को लेके, लेकिन इसका वास्तविक रूप जब देना प्रारंभ किया गया था तो उसकी जो सन था और दिनांक थी 7 जुलाई 1948 थी। अब बात आती है कि इसके तहत किसकी स्थापना की गई, तो ध्यान रखना दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। हमने पढ़ा था दामोदर घाटी निगम की स्थापना, इसका मतलब ये हुआ कि जो दामोदर घाटी का एरिया बनाया गया था ये किसी एक उद्देश्य को लेकर नहीं बनाया गया था। बहुत सारी जो समस्याएं थी उनको समाधान को ध्यान में रखते हुए दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई है। अब आती है कि ये जो परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, प्रमुख इसका केंद्र कहाँ पे है, जहाँ से इसकी देख रेख का कार्य किया जाता है, जहाँ से इस पे पैनी नजर रखी जाती है, जहाँ से इसके पानी का बहाव क्षेत्र कितना है, उसकी गहराई कितनी है, कितना अधिक बहाव क्षेत्र बढ़ जाएगा तो नुकसान हो सकता है, अधिक पानी आ गया तो उसको कौन से क्षेत्रों में आगे भेजा जाना है, कब उसको रोका जाना है, तो इसका सारा जो विवरण है, इसकी रूपरेखा है और इसके कार्य है, किस प्रकार से इसकी सेट की गई है, किस आधार पर इसको निर्धारित किया गया है, इसका प्रमुख जो मुख्यालय है वो है कोलकाता में। ध्यान रखना इसका दामोदर घाटी निगम की स्थापना के साथ ही इसका मुख्यालय की स्थापना भी की गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, कोलकाता में इसका मुख्यालय बनाया गया था। अब बात आती है कि दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना के पीछे कौन से ऐसे कारक थे कि इसके कारण दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना करनी पड़ी। तो इसके प्रमुख रूप से जो कारण थे, इसका जो पहला बिंदु है मार्ग परिवर्तन। जब दामोदर नदी बहती है तो ये इतना तेज गति से इसके पानी का बहाव आता है कि एक निश्चित क्षेत्र में ये न बहके बहुत सारे क्षेत्रों में ये टूटती हुई चली जाती है, और पानी के कारण इसका क्या है, मार्ग परिवर्तन हो जाता है। यानी एक स्थान पे न बहके पानी का दबाव जब अधिक होता है तो ये अलग अलग क्षेत्रों में विस्तृत हो जाता है, और जहाँ पानी की अधिकता पहुँचती है वहाँ क्या होता है कि वहाँ के खेत खलिहान, वहाँ लोगों के घर, वहाँ लोगों के उद्योग धंधे सब क्या है, समाप्त हो जाते हैं और काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब बात आती है अपरदन की। अधिक बहाव के कारण क्या है, चट्टाने वगैरह इससे कट जाती है और धीरे धीरे वो नीचे खिसकने लगती है, भूमि है उसमें भी कटाव आने लगता है, भूमि के बीच में दरारें पड़ जाती है, चट्टाने ढहने लगती है, तो ये समस्याएं भी इस कारण देखने को मिलती है। तीसरी बात आती है बाढ़ की। कुछ ऐसे क्षेत्र भी है, ऐसे राज्य भी है जिनमें पानी बहुत अधिक तेज गति से दामोदर नदी का पहुंचता है, और वहां पहुंचने के कारण क्या है कि वो स्थिति पानी की जब अधिकता ले लेती है तो एक विशाल भयंकर रूप लेने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और बाढ़ आने के कारण वहां का जो जनजीवन है, व्यवस्था है, सब समाप्त हो जाती है, चौपट हो जाती है, और उसको सही करने में, उसको व्यवस्थित करने में, उसकी सही रूपरेखा में लाने के लिए बहुत अधिक समय लग जाता है। तो ध्यान रखना कि मार्ग परिवर्तन है, अपरदन इसका, और बाढ़ के प्रमुख इसके प्रभावित होने वाले कारक है जिनको दूर करने के लिए दामोदर घाटी परियोजना का प्रमुख रूप से निर्माण किया गया था। ये तो इसकी समस्याएं थी, आगे अपन इसकी चर्चा करेंगे कि इससे लाभ भी आगे सामने आएंगे। अब बात आती है कि जो दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई थी उससे पहले जो इसका प्रभावित क्षेत्र था दामोदर नदी का, कितना क्षेत्र ऐसा था जिससे इसके भयंकर रूप का सामना करना पड़ता था, इसके बहुत सारा जो क्षेत्र था काफी विस्तृत रूप से फैला हुआ था, तो इसमें जो क्षेत्र आता है वो 18,000 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो आता है, 18,000 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो प्रभावित क्षेत्र एरिया आता है जिसको दामोदर नदी के प्रकोप का भयंकर रूप का सामना करना पड़ता था। अब आती है कि दामोदर नदी है वो कुछ जगह इतना भयंकर रूप ले लेती है कि उसको विशेष रूप से जाना भी जाता है। तो ध्यान रखना पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी को शोक के नाम से जाना जाता है। शोक का मतलब होता है एक प्रकार से किसी चीज से उत्पन्न त्रासदी या समस्या। शोक का मतलब हो गया कि वहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वहां की स्थिति काफी समय तक सही नहीं हो पाती, वहाँ की अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाती है, लोगों के रहने के स्थान समाप्त हो जाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं, खाने पानी की व्यवस्था भी उनकी बैठ नहीं पाती,
तो प्रमुख रूप से ध्यान रखना कि जो पश्चिम बंगाल है वहां दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है, बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। अब आती है कि इसके उद्देश्य क्या है, दामोदर नदी की जो घाटी परियोजना है इसको किस आधार पे इसकी स्थापना की गई, इसके पीछे कौन से उद्देश्य थे, अभी इसकी हमने कमियां पड़ी थी, समस्याएं पड़ी थी, अब चर्चा करेंगे इसके लाभ्स के कि घाटी परियोजना जो बनाई गई दामोदर घाटी परियोजना इसके पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या थे, प्रमुख लाभ क्या थे जिस कारण इसको बनाया गया था। तो पहला कारण आता है इसमें कि इससे कौन से राज्य को प्रमुख रूप से विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, लाभ हुआ। तो ध्यान रखना कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन दोनों राज्यों का प्रमुख रूप से अधिक विकास हुआ, अधिक इनको लाभ पहुंचा, क्योंकि इनमें जो समस्याएं थी बाढ़ की, प्रकोप की, मिट्टी अपरदन की, चट्टानों की खिसकने की, तो इन समस्याओं के निजात के लिए इन दोनों राज्यों को अधिक लाभ मिला। अब बात आती है जीवन स्तर में सुधार। जब ये बाढ़ का रूप लेती थी तो लोगों का जीवन स्तर है वो अस्त व्यस्त हो चुका था एकदम, लोगों के रहने के स्थान छिन गए थे, उनका जो खेत वगैरह थे वो समाप्त हो गए थे, उनके पास खाने की नौबत की समस्या आ गई थी, तो हर प्रकार से क्या है उनका जीवन खतरे में था। लेकिन बाद में जब दामोदर घाटी नदी परियोजना बनाई गई तो हुआ क्या कि इस पानी के बहाव को रोक लिया गया, और बाद में क्या है कि वहां के जो स्थानीय जनता है उसके जीवन स्तर में काफी डेवलपमेंट हुआ, काफी सुधार हुआ। तो ध्यान रखना कि जो ये दामोदर नदी है पश्चिम बंगाल का शोक पहले कही जाती थी, वर्तमान में इसको पश्चिम बंगाल का शोक नहीं कहा जाता, क्योंकि वहां की जो स्थिति है, वहां की जो समस्याएं हैं, उससे अब निपटारा, उससे छुटकारा, उसका समाधान अब कर लिया गया है। अब आते आगे बाढ़ से नियंत्रण। जहां पानी का बहाव अधिक होता था, अधिक तेज गति से बहता था, वहां क्या है वो पानी बाढ़ का रूप लेता था, और बाढ़ के कारण क्या है कि बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते थे, सरकार को लोगों की सहायता के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी पड़ती थी, उनके रहने के लिए स्थान उपलब्ध करवाने पड़ते थे, उनके लिए जो लोग बेघर हो गए उनको घरों की व्यवस्था करनी पड़ती थी, लोगों के इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्रों की आवश्यकता पड़ गई थी, तो इन समस्याओं से निजात भी क्या है पा लिया गया है। अब बात आती है सिंचाई व विद्युत उत्पादन। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी थी उन क्षेत्रों में धीरे धीरे पानी पहुंचाया जाने लगा, क्योंकि दामोदर नदी में पानी का जो क्षेत्र है काफी अधिक है और वर्षा के समय ये अपने उफान वाली स्थिति में आ जाती है, तो जब इसका पानी है वो ऐसे स्थान पे पहुंचाया जाता है नहरों के माध्यम से कि वहां की जो सिंचाई की आवश्यकता है वो आवश्यकता पूरी की जा सके। समय समय पे जब कृषि को, जब खेतों में जो फसलें होती है उनको समय समय पे जब पानी उपलब्ध हो जाता है तो वो फसलें अच्छी और वृद्धि करती है, और वृद्धि और अच्छी स्थिति में होने के कारण वहाँ स्थानीय जो किसान हैं उनको आर्थिक रूप से काफी लाभ होता है और उनके जीवन स्तर में भी सुधार होता है। अब बात करते हैं विद्युत उत्पादन की। पानी की सहायता से सिर्फ ये नहीं होता सिंचाई के कार्य को किया जा सके, इसके अलावा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कारण ये होता है कि पानी के तेज बहाव के कारण जो मशीनें वगैरह सेट की जाती है उससे विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है, और वर्तमान समय में क्या है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, ऐसे जिले हैं जहां पे 24 घंटे विद्युत की सप्लाई की जाती है, विद्युत की कटौती नहीं की जाती। इसकी वजह यही है सिर्फ है कि वहां पे विद्युत का समय समय पे विकास पानी की सहायता से किया जा रहा है। अब बात आती है घरेलू उपयोग हेतु जल। कई स्थान, कई गांव ऐसे हैं जहां पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलता। शुद्ध पानी नहीं मिलने के कारण क्या है कि वो बहुत सारे रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, और रोगों से ग्रस्त होने के कारण क्या है कि वो बीमार हो जाते हैं और काफी समय तक सही नहीं हो पाते। तो दामोदर घाटी परियोजना के माध्यम से ऐसे स्थानों में जल भी पहुंचाया जा रहा है। दामोदर घाटी परियोजना है, इसके तहत कुछ बांधों का निर्माण किया गया था, कुछ विद्युत करंग का निर्माण किया गया था, इनके बारे में अपन आगे अध्ययन करेंगे। तो ध्यान रखना कि जो दामोदर घाटी परियोजना है इसके तहत कितने बांध बनाए गए थे, 8 बांधों का निर्माण है वो दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत किया गया है। इसके बाद में बात आती है कि अवरोधक बांध इसमें कितने बनाए गए, तो ध्यान रखना एक अवरोधक बांध बनाया गया था। अब आती अवरोधक बांध कहते किसे हैं, तो ध्यान रखना पानी के बहाव क्षेत्र को रोकने के लिए
जो बांध बनाया जाता है उसको अवरोधक बांध कहते हैं। दूसरी बात है, जब आवश्यकता होती है तब इन अवरोधक बांधों से पानी को आगे नालों के माध्यम से छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार अवरोधक बांध का उपयोग किया जाता है। अब आती है इस परियोजना के तहत कितने विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया था। तो ध्यान रखना कि दामोदर घाटी परियोजना के तहत कुल जो विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया था, 9 विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया था। इस प्रकार 8 बांध बनाए गए थे, 1 अवरोधक बांध बनाया गया था और 9 विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया था। अब 8 बांध कौन से, इसमें 1 अवरोधक बांध का नाम क्या है और कौन कौन से विद्युत ग्रह इसमें बनाए गए थे, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे अपन संक्षिप्त रूप से विवरण के रूप में। जो ये 8 बांध बनाए गए थे, ये 3 अलग अलग नदियों पे बांध बनाए गए हैं और कुछ नदियों पे 2 बांध बनाए गए हैं और कुछ नदियों पे 3-3 बांध बनाए गए हैं। तो ध्यान रखना, अधिकतम बांध बनाए गए हैं 3-3 बांध है और न्यूनतम जो बांधों की संख्या है 2 बांध बनाए गए हैं। तो जो पहला अपना बांध आता है इसमें तेलैया बांध है, दूसरा जो बांध है अपना मैथन बांध है और तीसरा जो बांध है अपना वो है बाल पहाड़। ये 3 जो बांध बनाए गए हैं ये नदी पे बनाए गए हैं और उस नदी का नाम क्या है, बाराकाल नदी। बाराकाल नदी है ये, अपनी दामोदर नदी की सहायक नदी भी थी। ध्यान रखना कि बाराकाल नदी है ये किसकी सहायक नदी है, दामोदर नदी की। और इसके तहत कितने बांध बनाए गए थे, 3 बांध बनाए गए थे। कौन कौन से, तिलैया, मैथन और बाल पहाड़। इस प्रकार बाराकाल नदी पे 3 बांध बनाए गए हैं। अब बांध बात करते हैं चौथे बांध के अपन। चौथा जो बांध बनाया गया था वो है पंचेत बांध, पांचवा जो बांध है अय्यर बांध और छठा जो बांध है वो है बेरमो बांध। ये 3 बांध है ये कौन सी नदी पे बनाए गए थे, तो ध्यान रखना दामोदर नदी पे इन 3 बांधों का निर्माण किया गया था। इस प्रकार बाराकाल नदी पे 3 बांध हो गए और दामोदर नदी पे 3 बांध हो गए। अब बताती है आगे 2 अन्य बांधों की। जो अपना 7वां बांध इसके अंतर्गत बनाया गया था उसका नाम है बोकारो और 8वां जो अंतिम बांध है वो है कोनार। ये दोनों जो बांध है ये बोकारो नदी पे बनाए गए थे। इस प्रकार जो 3 बांध है वो बाराकाल नदी पे बनाए गए हैं, जो 3 बांध और है वो दामोदर नदी पे बनाए गए हैं और 2 जो अन्य बांध है वो बोकारो नदी पे बनाए गए हैं। इस प्रकार 3 नदियों पे ये 8 बांधों का निर्माण किया गया है। अब बात आती है अवरोधक बांध की। इस दामोदर घाटी परियोजना के तहत एक अवरोधक बांध बनाया गया है। अवरोधक बांध की अपने चर्चा की थी कि अवरोधक बांध का मतलब ये होता है कि जहाँ पे पहाड़ों वगैरह की जो ढलान वगैरह होती है, मिट्टी वगैरह खिसक जाती है, वो परतें नीचे ढहने लग जाती है, मिट्टी के बीच में दरारें वगैरह आ जाती है, तो उसको रोकने के लिए, उस पानी के बहाव को रोकने के लिए, तेज बहाव को रोकने के लिए, ताकि मिट्टी का कटाव नहीं हो, चट्टाने ढह के नीचे नहीं जाए, इसके लिए एक अवरोधक बांध बनाया गया था। और वो अवरोधक बांध कहाँ बनाया गया था, दुर्गापुर में। ये एक अवरोधक बांध, एकमात्र जो बांध है अवरोधक बांध दामोदर घाटी परियोजना के तहत बनाया गया था। इस प्रकार हमने 8 बांधों की चर्चा कर ली, 1 अवरोधक बांध की चर्चा कर ली। अब बात है दामोदर घाटी के अंतिम पड़ाव की ओर। अंतिम जो पड़ाव आता है वो आता है इसके विद्युत ग्रहों का। पानी के द्वारा सिंचाई भी की जाती है, पानी के द्वारा मछली पालन भी किया जाता है, पानी के द्वारा पेयजल की व्यवस्था की जाती है, पानी का उपयोग उद्योगों में किया जाता है। तो इस प्रकार जो जल है वो जीवन का अपना मूल आधार है। हर प्रकार से हमें पानी की आवश्यकता, अपने दिनचर्या से लेके प्रत्येक काम में जल की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके साथ ही जल से विद्युत का उत्पादन भी होता है। तो दामोदर घाटी योजना के तहत विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया था और कितने विद्युत ग्रह बनाए गए थे, तो ध्यान रखना 9 विद्युत ग्रह बनाए गए हैं। इन विद्युत ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो इसका भाग आता है जल विद्युत ग्रह, कौन सा, जल विद्युत ग्रह, और दूसरा जो विद्युत ग्रह है वो है ताप विद्युत ग्रह। इस प्रकार विद्युत ग्रह को 2 भागों में बांटा गया, जल विद्युत ग्रह और ताप विद्युत ग्रह। जो जल विद्युत ग्रह है इसके तहत जो विद्युत ग्रह बनाए गए हैं, ये 6 विद्युत ग्रह बनाए गए हैं। पहला जो विद्युत ग्रह है वो है तिलैया में, दूसरा मैथन में, तीसरा बाल पहाड़ी में, चौथा पंचेत में, छठा बेरमो में, छठा कोनार में।
छह विद्युत जो जल विद्युत ग्रह है ये बनाए गए हैं। अब आ जाती है ताप विद्युत ग्रह की। ताप का मतलब होता है कि भाप के द्वारा या ऊष्मा के माध्यम से जो बिजली बनाई जाती है उसको ताप विद्युत ग्रह कहते हैं। इसके तहत तीन ताप विद्युत ग्रह का निर्माण किया गया। पहला जो ताप विद्युत ग्रह है वो है बोकारो में, दूसरा चंद्रपुरा में और तीसरा दुर्गापुर में। इस प्रकार दामोदर घाटी परियोजना है ये अपनी पूर्ण होती है।